हर हर महादेव। देखिए पंजाब से एक पंडित जी हैं, उनका प्रश्न है कि किसी के यहाँ आशौच लगा हुआ है, जन्ना शौच या मरना शौच जिस कुल में, उसके यहाँ बिना जानकारी में भोजन कर लिया, क्योंकि लोगों को आजकल तो पता नहीं है, वो बतलाते नहीं है कि नहीं भोजन कराना चाहिए हमें, तो भोजन कर लिया किसी आशौच लगे हुए सूतक लगे हुए व्यक्ति के यहाँ, तो क्या प्रायश्चित करना चाहिए? देखिए इसका उत्तर देखिए, पारसस स्मृति में 11वें अध्याय में 17वें श्लोक में कहा गया है कि अज्ञानात् भुञ्यते विप्राः सूतके मृतके पिबा प्रायश्चित्तम कथम तेषां वर्णे वर्णे विनिर्दिशे। यही बात देखिए कि यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान से किसी के यहाँ भोजन कर लेता है तो क्या प्रायश्चित है? माने देखिए, ब्राह्मण यदि क्षत्रिय के यहाँ भोजन कर लेता है जिसको आशौच जन्ना शौच मरना शौच लगा है तो क्या प्रायश्चित है? ब्राह्मण वैश्य के यहाँ कर लेता है तो क्या प्रायश्चित है? ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ कर लेता है तो क्या प्रायश्चित है? ब्राह्मण शूद्र के यहाँ यदि आशौच लगा हुआ है वर्णों के यहाँ भोजन करता है तो क्या क्या प्रायश्चित है? देखिए सबके यहाँ का अलग अलग प्रायश्चित पारस स्मृति में बतलाया गया है। गायत्र्यष्ट सहस्रेण शुद्धि स्यात् शूद्र सूतके। यदि शूद्र के यहाँ कोई सूतक लगा हुआ है और उसके यहाँ ब्राह्मण जा करके भोजन कर लेते हैं, पहले तो शूद्र है वो सत्शूद्र जिनके यहाँ भोजन होता है ऐसे के यहाँ, तो क्या प्रायश्चित होना चाहिए? बोले गायत्री अष्ट सहस्रेण, 8000 गायत्री का जप करना चाहिए प्रायश्चित रूप में। वैसे पंच सहस्रेण त्रिसहस्रेण क्षत्रिय, और वैश्य के यहाँ यदि आशौच लगे हुए वैश्य के यहाँ कोई अज्ञानता में भोजन कर लेता है, जानबूझ करके प्रायश्चित नहीं बतला रहे हैं, अज्ञानता में यदि भोजन कर लेते हैं तो 5000 गायत्री जप करना चाहिए। त्रिसहस्रेण क्षत्रिय, यदि क्षत्रिय के यहाँ भोजन होता है और क्षत्रिय को आशौच लगा होता है तो 3000 गायत्री जप करना चाहिए। ब्राह्मणस्य यदा भुंक्ते द्वे सहस्रे तु दापये, यदि कोई ब्राह्मण के यहाँ आशौच अवस्था में आशौची सूतकी ब्राह्मण के यहाँ कोई भोजन कर लेता है अज्ञानता में बिना पता होने पर, तो 2000 गायत्री जप करने का प्रायश्चित लिखते हैं पारासर जी इस तरीके से। एक छागल स्मृति में और प्रायश्चित बतलाया गया है, एक छागल स्मृति है कि अज्ञानात् भोजने विप्रा सूतके मृतके पिबा प्राणायाम शतम कृत्वा शुद्धेयुः। अगर कोई ब्राह्मण सूतक या मृत के यहाँ भोजन कर लेता है तो 100 प्राणायाम करना चाहिए विधिपूर्वक, तो शुद्धेयुः, तो वो शुद्ध हो जाता है। देखिए ये व्यवस्था है, यहाँ बतलाया गया है कि शूद्रान्न खाने की कुछ व्यवस्था है कि शुष्कान्नम गोरसम स्नेहम शूद्र वेशमन आहृतम पक्वम विप्रगृहे भुक्तम भोज्यम तन मनोरब्रवीत। सूखा अन्न जैसे गोरस, सूखा अन्न कोई भी सूखा, सूखे भुंजे चने आदि जो भी सूखे हैं अन्न, इसी तरीके से गोरस दुग्ध घृत आदि, स्नेह घी तेल सस शूद्र के घर से ला करके ब्राह्मण के घर में पकाया गया हो ये चीज, तो उसके यहाँ भोजन किया जा सकता है। सूखा अन्न सत शूद्र के यहाँ से लेकर के ब्राह्मण के यहाँ ये बना दिया गया हो तो ये लिया जा सकता है। आपत्कालेषु विप्रेण भुंक्तम शूद्र गृहे यदि मनस्तापेन शुद्ध्येत द्रुपदा वा जपेच्छतम। देखिए ये बात भी है, कोई आपत्ति है इसलिए भोजन कर लिया, या सूतक है उसके यहाँ तो उसके यहाँ भोजन कर लिया, अथवा शूद्र का मतलब अन्न सत शूद्र का अन्न कोई ब्राह्मण खा लेता है आपत्ति में जानबूझ करके भी कि भाई आपत्ति अब क्या करें, कुछ मरते हैं तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं ऐसा खा लेता है, तो वो मन में फिर बड़ा भाई प्रायश्चित कर मैंने पश्चाताप कर, और 100 बार ये जो द्रुपदा देव मोचाना ये जो मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 20वां जो मंत्र है इसका एक माला मैंने इस मंत्र का 100 बार जप करे, एक माला जप करे 108 जप करे,
शुद्धे, तो वो शुद्ध होता है। इस प्रकार से ये विधान बतलाया गया है। तो आशौच में भोजन नहीं करना। भोजन करने से संबंधित हमारे यहाँ बड़े भारी नियम है। आजकल तो सब भ्रष्ट हो गए, कोई कहीं भी किसका भी कैसा भी किसी भी अवस्था में खाए जा रहा है, खाने के लिए घूम रहे हैं। आजकल की स्थिति तो ऐसी है कि कुछ भी खा रहे हैं, चाहे कुछ खा रहे हैं। लोग तो जूतों को नहीं छोड़ रहे हैं, जूते भी खा जा रहे हैं। ऐसे काम कर रहे हैं कि जूते खा रहे हैं लोग, धोखा खा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं कोई पता नहीं। किसी भी तरीके से मिल जाए किसी का, खाने को तैयार। हर जाति में ऐसा है, पर भोजन संबंधी नियम बहुत हैं, इनका परिपालन करना चाहिए। इनसे ही मन शुद्ध होता है और इनसे ही व्यवस्था बनती है। अन्यथा लोग कुतर्क करते रहते हैं, अब ये कैसे हो गया, अरे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, तुम्हारा मन ही शुद्ध नहीं है, पहले आहार विहार व्यवहार अपना शुद्ध करें तो ये बात समझ में आए। इस दृष्टि से इन सब निषिद्ध अन्नों का परिवर्जन होना चाहिए। हर हर महादेव।